सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की ऐसा कौन सा पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है और ये देख के पता लग जाए कि यार यहां से और ज्यादा गिरने वाला है। तो यहां पे तीन पैटर्न आते हैं, तो हम ये सारे तीन पैटर्न यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पैटर्न है वो फॉलिंग वेज का जस्ट उल्टा होता है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज दिखता कैसे है कि मार्केट ऑलरेडी ऐसे नीचे आ रहा है, अब नीचे आने के बाद मार्केट क्या ऐसे धीरे धीरे कोशिश करता है ऊपर आने का, तो बिगिनर्स को क्या लगता है यार यहां से मार्केट जंप करेगा, पर जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये जो पैटर्न होता है इसमें आपको क्या करना रहता है, यहां से बियरिश पैटर्न में जैसे ही यहां पर ये ब्रेक होगा राइजिंग वेज में, जैसे ही यहां पर ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपका जो बनाता है जिसको हम हायर हाई भी बोलते हैं, वहां पे आपका क्या आ जाएगा एसएल आ जाएगा, और जितना यहां से गिरा है उतना ही नीचे का आपका क्या आ जाएगा टारगेट आ जाएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है, तो मेक श्योर ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो का टारगेट ले लेते हैं 1000 लाइक। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक कमेंट पे है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में जब हम आ गए हैं तो सेकंड पार्ट में हमें देखने मिलता है बुलिश रेक्टेंगल का जो उल्टा होता है बियरिश रेक्टेंगल। उसमें क्या होता था, यहां से ऐसे आपका स्टॉक गिरेगा, ऐसे आके यहां से ऐसे 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 आके बेस बनाएगा। मैं और अच्छे से बना देता हूं, यहां पे ऐसे ऐसे करके बेस बनाएगा, ठीक है। अब एज अ बिगिनर मुझे क्या लगता था यार यहां से ये बेस बना रहा है अब भागेगा, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट को कंफर्मेशन के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। जैसे ही यहां पे आया आपको क्या है ऐसे बॉक्स जैसा बनाना है, तो जैसे ही वो नीचे का ये तोड़ता है आपका ऊपर क्या क्या आ जाता है स्टॉप लॉस आ जाता है, और जितना ऊपर से गिरा होता है नीचे का उतना ही आपका क्या आ जाता है टारगेट आ जाता है। ये होता है हमारा जो सेकंड पार्ट है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। अब हम देखते हैं थर्ड पैटर्न, वो है बियरिश पेनेंट। बियरिश पेनेंट भी एकदम बुलिश पेनेंट जैसा दिखता है। यहां पे क्या होता है स्टॉक ऐसे गिर रहा होता है, क्या है थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसा एकदम बोलते हैं ना बतख की चोच जैसा। तो बतख की चोच जैसा जैसे दिखता है तो अब हमें क्या लगेगा कि यहां से जितना गिरा है उतना ही नीचे का क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा टारगेट आ जाएगा। और ये जो इसका सेकंड वाला जो हायर हाई वाला पार्ट है हमेशा याद रखना, सेकंड वाला वो आपका क्या आ जाता है स्टॉप लॉस हो जाता है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट आप बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में। आपको ये बस ये तीन पैटर्न आपको दिमाग में रखने हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओके ये वाला पैटर्न बन रहा है मतलब डाउनफॉल और कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जो चीज थी ये था, हमने पहले पार्ट में देखा कि बुलिश वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने देखा बियरिश पार्ट। आप मेक श्योर कि दोनों पार्ट को अच्छे से देख लें, अच्छे से सीख लें और ये वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का टारगेट लेता हूं मैं 1000 लाइक्स एज यूजुअल, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट पे है, और मिलते हैं इसी के साथ।